हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, हरियाणा पीजीटी एग्जाम की बात करने वाले हैं, जो वैकेंसी निकली हुई है एचपीएससी पीजीटी 2024 की, जो कॉमर्स की वैकेंसियां निकली हुई हैं और भी सब्जेक्ट की वैकेंसियां निकली हुई हैं, उसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टडी की जो क्लासें हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। और फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोगों का टॉपिक है। और इसमें भी अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं कि आज हम लोग किसके एमसीक्यू करने वाले हैं, और टोटली एमसीक्यू ही करेंगे, डिटेल को नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने डिटेल अलग क्लासों में कराई हुई है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं हम लोग एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में यहाँ पर कराने वाला हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एकाकी व्यापार क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्लास करने वाले हैं। ये क्लास नंबर 4 है आप लोगों की। पिछली क्लासों को अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि साझेद व्यवसायिक संगठन का अति प्राचीन रूप है। व्यवसायिक संगठन का अति प्राचीन रूप पूछा गया है कि कौन सा है। अति प्राचीन जो रूप है वो पूछा गया है कौन सा है। साझेदारी है, साझेदारी है, एकल स्वामित्व है, या फिर संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, या फिर सहकारी समिति है। तो जो व्यवसायिक संगठन है, व्यवसायिक संगठन का अति प्राचीन रूप जो है वो कौन सा है, तो वो है हमारा कौन सा है, वो अति प्राचीन रूप की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एकल स्वामित्व जो है वो व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व का दायित्व होता है। एकाकी स्वामित्व में जो दायित्व होता है वो पूछा गया है कैसा होता है। सीमित होता है, असीमित होता है, या फिर संयुक्त होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एकाकी स्वामित्व में, एकाकी एकाकी स्वामित्व एकाकी स्वामित्व में एकाकी स्वामित्व में जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, तो वो दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि सरकारी नियमन से कौन सा संगठन मुक्त है। सरकारी जो नियमन है, सरकारी मतलब कि अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं और कागजों की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा संगठन है जो इन सभी से मुक्त है। तो याद रखिए कि साझेदारी अधिनियम हम लोगों का 1932 है, संयुक्त कंपनी हम लोगों का कंपनी एक्ट लगता है, कंपनी अधिनियम 2013। एकाकी स्वामित्व में जो है वो इन संगठनों से मतलब कि सरकारी नियमनों से मुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सरकारी नियमों से कौन सा संगठन मुक्त है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एकाकी स्वामित्व जो है वो इन सभी से मुक्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व उपयोगी है। एकाकी स्वामित्व किसके लिए उपयोगी है, तो याद रखिए कि एकाकी स्वामित्व बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए उपयोगी है, तो बिल्कुल नहीं, बड़े प्रबंध के लिए तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा कि एकाकी स्वामित्व, याद रखिए कि जब एक आदमी व्यापार करेगा तो वो छोटा क्षेत्र जो है, छोटे क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, छोटे व्यवसाय के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसका पंजीयन जो है वो अनिवार्य नहीं है,
तो याद रखिए कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन तो अनिवार्य होता है, साझेदारी का अनिवार्य भी है, और मतलब ऐच्छिक होता है, इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन एकाकी स्वामित्व का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन भी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका जो है पंजीयन अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य जो नहीं है तो वो क्या किसका नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, एकाकी एकाकी स्वामित्व का, एकाकी स्वामित्व का जो है पंजीयन अनिवार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न कौन सा व्यवसायिक स्वरूप ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान की बात हम लोग किसमें करते हैं, तो व्यक्तिगत ध्यान जब अगर कस्टमर जो है खुद से ही व्यापार करेगा, सभी काम खुद से ही करेगा, बिल भी काटेगा, सामान भी देगा, तो इस प्रकार से जो ग्राहकों के बीच संबंध है वो व्यक्तिगत तरीके से होगा, व्यक्तिगत संबंध होगा, प्रत्यक्ष संबंध होगा, तो इस केस में होगा ऐसा। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में तो ऐसा होता नहीं है, एकाकी स्वामित्व में ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि किस व्यवसायिक स्वरूप में अत्यधिक गोपनीयता बनी रहती है, किस व्यवसायिक स्वरूप में अत्यधिक गोपनीयता, तो अगर हम खुद से ही सभी काम करेंगे तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारी गोपनीय होगी, तो ऐसा किस में होगा, सहकारी समिति में तो ऐसा होगा नहीं, संयुक्त साहस में भी नहीं होगा, साझेदारी में दो या दो से अधिक लोग होते हैं उसमें पार्टनर जो गोपनीयता नहीं होती है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व, एकाकी एकाकी स्वामित्व का मुख्य दोष कौन सा है, मुख्य दोष की बात करते हैं, तो प्रमुख दोष इसका मुख्य दोष, ये देखिए दोष तो है, सीमित पूंजी भी दोष है इसका, सीमित क्षेत्र भी इसका दोष है, लेकिन मुख्य दोष कौन सा है, मुख्य दोष इसी इसी दोष के कारण ही एक तरीके से देखा जाए तो साझेदारी की बात आई थी सामने, और कंपनी की बात आई थी सामने, सॉरी साझेदारी नहीं कंपनी की बात आई थी सामने। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एकाकी स्वामित्व का मुख्य दोष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कि मुख्य दोष जो है वो इसका जो है मुख्य दोष सीमित असीमित दायित्व है, और कंपनी में जो है कंपनी में कैसा दायित्व तो होता है, तो कंपनी में कैसा दायित्व तो होता है, तो कंपनी में सीमित दायित्व तो होता है, अपने अंशों अंशों को लिए गए मतलब कि लिए गई पूंजी पर होता है, जितने अंश के जितने रुपए के हमने अंश लिए हैं उसी हिसाब से हम उतना ही रुपए देंगे कंपनी को, तो सीमित दायित्व तो होता है, कैसा दायित्व तो होता है, सीमित दायित्व तो होता है। और अगर साझेदारी में पूछा जाता है कि साझेदारी में कैसा दायित्व तो होता है, तो साझेदारी में भी असीमित दायित्व तो होता है, कैसा दायित्व तो होता है, असीमित दायित्व तो होता है, असीमित दायित्व तो होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीनतम, सर्वाधिक प्रचलित अभी भी है, सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीनतम व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कौन सा है, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कौन सा है, थोक व्यापार, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, या फिर एकाकी स्वामित्व, या फिर साझेदारी। तो आप लोग बताइए कि इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एक, एक टॉपिक वाइज करेंगे, तो क्वेश्चन भी देखो क्वेश्चन करने से जो टॉपिक की समझ भी विकसित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीनतम जो अभी भी है,
वो एकाकी स्वामित्व है। भारत में सबसे ज्यादा एकाकी स्वामित्व के व्यापार भी अभी भी प्रचलन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों में सबसे सरल स्वरूप कौन सा है। सबसे सरल स्वरूप, सबसे सरल स्वरूप, सबसे सबसे सरल स्वरूप, मतलब इसमें को करने के लिए किसी भी कागज की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे सरल स्वरूप जो है वो कौन सा है, एकाकी स्वामित्व है, साझेदारी है, कंपनी है, या फिर हिंदू परिवार है, संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो इसका राइट आंसर जो है वो व्यावसायिक संगठन का सबसे जो स्वरूपों में सबसे सरल स्वरूप जो है वो एकाकी स्वामित्व ही है, क्योंकि तो सबसे सरल है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। हमें व्यापार करना है तो हम एक सिर्फ कुछ नहीं पूछना, किसी चीज नहीं पूछना, एकाकी स्वामित्व हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी कागज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक आदमी, सिंगल आदमी उसका व्यापार, व्यापारी जो होता है वो खुद ही सारी सारी जो काम है वो खुद ही देखता है, इसीलिए इसमें कोई हमें सबसे सरल स्वरूप माना गया है इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व का दायित्व तो होता है, फिर से वही क्वेश्चन है, एकाकी स्वामित्व का दायित्व तो होता है, सीमित होता है या असीमित होता है, या फिर ए और बी दोनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया है, ऑप्शन इसके अलग कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने हम लोगों को क्या बताया था, इसका दायित्व तो कैसा होता है, असीमित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ हुआ है कि एकाकी स्वामित्व को प्रारंभ करना है, एकाकी स्वामित्व को प्रारंभ करना है, एकाकी स्वामित्व को प्रारंभ करना है, कठिन काम है, सरल काम है, या फिर ए और बी दोनों है, कठिन है और सरल भी है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एकाकी स्वामित्व को प्रारंभ करना कठिन है या सरल है? तो एकाकी स्वामित्व को शुरुआत करना या प्रारंभ करना बिल्कुल सरल है। कैसा है? बिल्कुल सरल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखो अभी हम लोग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सरल हैं। आप लोगों को लगे कि ये एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, तो हो सकता है वो सरल की वजह से ना आए, लेकिन समझ तो विकसित हो जाएगी ना, कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बता हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉरी, कि एकाकी स्वामित्व को प्रारंभ करना है, फिर वही रिपीट क्वेश्चन है, तो याद रखिए कि ये सरल क्वेश्चन सरल है। ठीक है, वही रिपीट हो गया है, टाइपिंग एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व में सदस्यों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एकाकी स्वामित्व में सदस्यों की संख्या होती है, एक होती है, दो सॉरी 3 होती है, 5 होती है, या फिर 4 होती है। तो एकाकी स्वामित्व में एक अकेला जो व्यापारी है वो अकेला होता है, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। साझेदारी की संख्या आप लोगों से पूछी जाएगी, जब मैं आप लोगों को साझेदारी भी है, अगले पार्ट में आप लोगों को साझेदारी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को कंपनी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को संयुक्त हिंदू परिवार के क्वेश्चन भी कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन संयुक्त हिंदू परिवार के होंगे और कुछ क्वेश्चन उसमें समिति के भी होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें व्यावसायिक संगठन के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग एक टॉपिक ऐसा बनाएंगे इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं। साझेदारी को अलग करेंगे, कंपनी को अलग करेंगे, क्योंकि इनमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 15 में। अब 15 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, परिभाषा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्यवसाय का संचालन लाभ के लिए करना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया था, व्यवसाय का जो संचालन है लाभ के लिए करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी में। ठीक है, तो व्यवसायिक संगठन, व्यवसाय का संचालन लाभ के लिए करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि व्यवसाय का संचालन लाभ के लिए करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है, ये बात किसने कही है, एडम स्मिथ ने कही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय का संचालन लाभ के लिए करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा सभी जोखिम उठाई जाती हैं। एक व्यक्ति द्वारा सभी जोखिम कौन से व्यापार में उठाई जाती हैं? साझेदारी में, कंपनी में, एकल स्वामित्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल स्वामित्व ही इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति द्वारा सभी जोखिमें उठाई जाती हैं और जो लाभ होता है वो उसी व्यक्ति के द्वारा लिया भी जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको बांटा नहीं जाता है, क्योंकि जब जोखिम सारे के सारे वही उठाएगा तो लाभ भी वही उठाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक सॉरी अधिक व्यक्तिगत संपर्क और गोपनीयता प्रमुख तत्व हैं। अधिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क और गोपनीयता एकाकी स्वामित्व का है तत्व, साझेदारी का है, कंपनी का है, या फिर सहकारी समिति का है। तो अधिक व्यक्तिगत संपर्क हम लोग किसमें कर पाएंगे? तो अधिक व्यक्तिगत जो संपर्क है वो हम एकाकी स्वामित्व में कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वोत्तम है, ये कथन किसका है? एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वोत्तम है, एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वोत्तम है, तो ये कथन किसका है? हैने साहब का है, किम्बल एवं किम्बल साहब का है, विलियम आर बेसेंट साहब का है। तो इसका राइट आंसर है कि विलियम आर बेसेंट साहब का ये कथन है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वोत्तम होता है। तो एक व्यक्ति का नियंत्रण जो सर्वोत्तम होता है, तो ये बात किसने कही थी? किम्बल साहब ने कही थी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीमित विस्तार की संभावना एक विशेषता है। सीमित विस्तार की संभावना एक विशेषता है एकाकी स्वामित्व की, घरेलू कंपनी की, विदेशी कंपनी की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सीमित विस्तार की संभावना, सीमित विस्तार होगा किसमें है? तो ऐसा एकाकी स्वामित्व में है। ऐसा किसमें है? तो ऐसा एकाकी स्वामित्व में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 नंबर में कि निर्बंध तथा कम खर्चीली प्रबंध लाभ है। निर्बंध तथा कम खर्चीली लाभ है, किसका लाभ है? साझेदारी का लाभ है। कम खर्चीला कौन सा है? कम खर्चीला कौन सा है? तो आप कहेंगे कि एकाकी स्वामित्व तो जो है वो कम खर्चीला है, क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार्य तथा पारितोषिक का प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कार्य का और पारितोषिक का मतलब जो मिलने वाले लाभ का प्रत्यक्ष संबंध जो है वो किसमें पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आईएमपी, इसको भी आप लोग कर सकते हैं कि कार्य तथा पारितोषिक का प्रत्यक्ष संबंध जो पाया जाता है, मतलब कार्य भी हम ही करें और पारितोषिक जो है हम ही मिले डायरेक्ट जो है, तो इसका जो पारित जो है वो संबंध पाया जाता है एकाकी स्वामित्व में, ऐसा पाया जाता है। इसका राइट आंसर है 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर, देखो अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये 16 प्रॉपर राइटर्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसके समझेंगे कि सभी आंसर इसके एकाकी स्वामित्व के होंगे। लेकिन जब आप लोग करेंगे एग्जाम में जाएंगे तो उसमें थोड़ा नहीं पता कि हम लोगों को ये बात किसमें कही गई थी, ये बात तब थोड़ा नहीं पता होगा कि ये बात हम लोगों को किसमें कही गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि सीमित साख हानि है। सीमित साख जो है वो हानि है। ये
तो सीमित साख हानि है, तो सीमित साख हानि किसमें है? एकाकी स्वामित्व में है, निजी कंपनी की है, सरकारी कंपनी की है। तो इसका राइट आंसर है कि सीमित साख हानि है एकाकी स्वामित्व की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 23 नंबर में कि जंगली युग का प्रतीक माना जाता है। जंगली युग, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता, देखो ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, तो जंगली युग का जो प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो जंगली युग का जो प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जंगली युग का जो प्रतीक है वो साझेदारी को नहीं मानते हैं, वो हम लोग किसको मानते हैं? जंगली युग के प्रतीक को एकाकी स्वामित्व को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एकाकी स्वामित्व से आशय है एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेना, एक व्यक्ति द्वारा लाभ कमाना, एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना, या एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण और लाभ हानि का दायित्व। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आज हम लोगों ने एकाकी स्वामित्व को जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं, आप देखो ये टॉपिक बहुत जरूरी है, और ये मैंने आप लोगों के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इससे ज्यादा एकाकी स्वामित्व के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। और भी जो क्वेश्चन होंगे, जब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब उसमें एकाकी स्वामित्व के और भी अगर क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज आप लोग लाइक करें। और अगर आप लोग व्यावसायिक संगठन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आज आप लोगों को डिटेल नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैंने जब सोच लिया है कि डिटेल अलग पढ़ाएंगे और एमसीक्यू की क्लासें अलग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर एकाकी स्वामित्व के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो ये देखिए मैंने 14 नंबर की क्लास जो है वो कराई हुई है एकाकी स्वामित्व और दोष और महत्व के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 13 नंबर की क्लास, सबसे पहले मैंने 13 नंबर क्लास कराई थी एकाकी स्वामित्व के उद्देश्य और एकाकी स्वामित्व के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के बारे में मैंने करवाया था, व्यवसाय का प्रवर्तन क्या होता है। तो ये सारी की आप लोगों को क्लास यहाँ पर मैंने कराई हैं, तो ये 15 क्लासें यहाँ पर हो चुकी हैं, और भी क्लासें मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के जो एमसीक्यू कराए हैं वो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इसके कराए हुए हैं, आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एकाकी स्वामित्व के दोष, महत्व, उनके उद्देश्य, सभी की बातें मैंने यहाँ पर करी हुई हैं, तो आप लोग जरूर करिए। और डिटेल में पूरी पढ़ा रहा हूँ। 15 नंबर की क्लास में मैंने आप लोगों को, क्लास नंबर 15 में मैंने आप लोगों को साझेदारी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और 16 नंबर की क्लास में भी आप लोगों को साझेदारी के बारे में ही पार्ट 2 कराने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जो आपके भाई बंधु हैं वो मान लो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनको भी अपना ग्रुप जो है, अपना चैनल शेयर करें, जरूर करें आप लोग। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।